और अब लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे बीच मौजूद है लखनऊ के बहुत ही मशहूर कवाल, एक खास परफॉर्मेंस के साथ, जोरदार तालियां हो जाए। आइए सबसे पहले मैं तारीफ करा दूं, ये ढोलकी है, ये हारमोनियम है, ये मेरा साला है। तो अभी कवाली का प्रोग्राम शुरू करते हैं। वे आजकल सिंगर कैसे कैसे, सब जमा करके बैठे हैं अपनी जेब में पैसे, साल भर की मेहनत का फल नजर आ जाएगा, साल भर की मेहनत का फल नजर आ जाएगा। पैसिंगर की ट्रॉफी जाने कौन यहाँ से ले जाएगा, पैसिंगर की ट्रॉफी जाने कौन यहाँ ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, चल के आएगा, ट्रॉफी उठाएगा, थैंक यू कहेगा, गाना सुनाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा। दिल जिनके इश्क मोहब्बत में टूटे होते हैं, अरिजीत के गाने सुन के वो सारे रोते हैं, वो सारे रोते हैं। मीका घर से जाने क्या क्या खा के आता है, जो भी गाना गाता है वो हिट हो जाता है। बादशाह ने भी जादू रैप का चलाया है, डीजे वाले बाबू पे सबको नचाया है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। लड़की कहती है दो गाने, दो बजाने को कह रही है, लेकिन वो एक बजा रहा है। यहाँ भी प्रॉब्लम है, लड़की दो कह रही है वो एक बजा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सेंटेंस में मेरे गाने बजा दो ऐसा होना चाहिए था, बट क्या किसी को व्याकरण सिखाएं। सोनू निगम सोते में भी सुर सही लगाते हैं, सोनू निगम सोते में भी सुर सही लगाते हैं, फिल्में छोड़ के अब तो फ्लाइट में भी गाते हैं, फिल्में छोड़ के अब को फ्लाइट में भी गाते हैं। हमारी बहन की नौकरी चली गई उस वजह से, सोनू निगम जी के गाने की वजह से, दो द्वार इस तरफ दो द्वार पीछे, इधर ये वो किया उसने करती थी, लेकिन अब घर का ही द्वार खोलती है। तो दोस्तों जो भी अच्छा गाएगा इनाम वो ले जाएगा, स्टेज पे आएगा और ट्रॉफी उठा ले जाएगा। दोस्तों जाने से पहले प्रभु आप सोनू जी